कि प्रयाग महाकुंभ 2013 में अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं। संगम तट पर कुंभ मेले में भारतीय संस्कृति के कई रंग समाये हुए हैं, लेकिन एक पंडाल ऐसा है जहां भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर बरस रहे हैं। महाकुंभ में संस्कृतियों का संगम, आस्था के मेले का अनोखा रंग, विदेशी राग, तिरंगों की सुपान पर राम राम का जाप, ये नजारा है बेहद अद्भुत। ये नजारा है बेहद अविश्वसनीय। बड़ी संख्या में विदेशी भी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में शिरकत करने आए हैं। जी हाँ, किसी विदेशी की रुचि हिंदू संस्कृति और अध्यात्म में देख एक अलग सी भावना पैदा होती है। कुंभ में विदेशियों का जमघट तो है ही, लेकिन ये सिर्फ कुंभ मेले को देखने नहीं आए हैं, बल्कि दूसरे साधु संतों की तरह इनकी भी कुंभ और भारतीय अध्यात्म में पूरी आस्था है। ये इसे समझते हैं और गहरे उतरने की कोशिश करते हैं। गंगा यहाँ सिर्फ 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था ही नहीं है, बल्कि पश्चिम देशों से आए इन मेहमानों के लिए भी गंगा एक डिवाइन सीक्रेट है। गौर से देखिए इन विदेशी महिला संतों को, जो हिंदू संस्कृति के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। वैसे तो प्रयाग महाकुंभ में कई अजब गजब नजारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा पंडाल है जहाँ भारतीय रुपए नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर बरस रहे हैं। इस पंडाल में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली और अंग्रेजी में प्रवचन करने वाली माता जी जब भजन गाती है तो विदेशी श्रद्धालु जमकर झूम उठते हैं। श्रद्धालु